Hello everyone, welcome back to my channel. So, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तिलापिया फिश करी की रेसिपी। तो ये बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है और बहुत ही जल्द हो जाता है और विंटर का सीजन है तो सभी को आराम चाहिए और जल्दी जल्दी में खाना भी पकाना है और खाना भी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये सीख सा कुछ फिश का रेसिपी पर मैंने तिलापिया फिश लिया है और आप कोई भी फिश ले सकते हो और देख लीजिए क्या करती हूँ। तो जो फिश बनाना जानते हैं उनको तो पता ही होगा, तो जो नहीं जानते हैं इनके लिए तो ये हल्दी और नमक लगा कर और फिश फ्राई कर लेना है। तो देखिए फिश कैसे मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ज़्यादा फ्राई मत करना, नहीं तो फिश हार्ड हो जाएगा, यानी कि खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो और कम भी होगा तो फिश का जो स्मेल है वो भी आएगा। तो देखिए किस तरह से फिश को फ्राई करना है। तो अभी मैं करी बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर सरसों का तेल और ये अनियन पेस्ट है और ये जिंजर टमेटो और जो ग्रीन चिली है वो। तो अभी सभी जो मसाला है वो मैं भून लूँगी। तो पहले तो जो अनियन है इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है क्योंकि नमक डालने से जो अनियन के जो छींटे पड़ते हैं अनियन देने से कढ़ाई में वो नहीं पड़ता है और जल्द भी हो जाता है फ्राई। तो देखिए मैंने यहाँ पर जिंजर भी ऐड किया है और गार्लिक भी। तो अभी तो मैं मसाला इसमें ऐड करूँगी। तो इसके लिए मैंने लिया है इस बर्तन में धनिया के पत्ते और ज़ीरा, हल्दी पाउडर और काश्मीरी रेड चिली पाउडर। सिंपल सा रेसिपी है गाइस और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोग इसे घर में ज़रूर ट्राई करना, देखिए मैं कैसे करती हूँ। और जो टोमेटो है इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ये करने से ये जो रेसिपी है वो और भी टेस्टी हो जाता है और कम समय में करना है हमें। तो इसे हमें टोमेटो को पेस्ट भी नहीं करना है। तो देखिए कैसे जल्द जल्द में ये हो जाता है और कम टाइम में ये जो रेसिपी है ये बहुत ही टेस्टी होता है। और देखिए यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली भी ऐड किया है। तो ग्रीन चिली देने से जो ग्रीन चिली का जो एक स्मेल होता है वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हम बंगाली लोग जब भी फिश खाते हैं राइस के साथ तभी क्या करते हैं कि जो ग्रीन चिली है इसको मसल मसल के हम लोग राइस के साथ मिक्स करते हैं और फिर खाते हैं। इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है और आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और देखिए कढ़ी का उबल आ गया है। तो अभी मैं फिश ऐड कर रही हूँ। तो अभी एक उबल जब आ जाएगा तभी मैं जो धनिया के पत्ते हैं वो ऐड करूँगी। तो देखिए हमारे फिश करी रेडी है और बहुत ही जल्द ही रेडी हो गया है। तो दिखने में देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो अभी तो मैं शुना को दूंगी खाने के लिए। तो गाइस सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स में सिंपल सा रेसिपी तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और अब तो धनिया के पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है विंटर में, तो आप लोग धनिया के पत्ते देना तो तभी जो ये फिश करी है वो अच्छा लगेगा। आप इसमें सरसों भी ऐड कर सकते हो पर सिंपल सा रेसिपी है इसलिए मैंने सरसों ऐड नहीं किया है और इसका ज़रूरत भी नहीं है, इतना टेस्टी होता है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी ने आज बिग फिश करी बनाई है। तो मुझे तो फिश बहुत पसंद है, अब मैं खा के बोलूँगी कि कैसा हुआ है, मैं खा के बताऊँगी कि कैसा हुआ है। तो बंगाली में इसको तेलापिया फिश बोलते हैं। तो चलिए खा के मैं बोलती हूँ। Thank you. Next video.